changes. चैनल इंडियन मॉम कंचन। आज है 24 जुलाई डे और आई नो मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात करूँ, बट काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। रुकिए मैं दिखा एक मिनट। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दोबारा से। तो इसी वजह से मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। पता नहीं अभी कंटिन्यू पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बट कंटिन्यू करने की मैं कोशिश करूँगी और आपके लिए रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं व्लॉगिंग करूँगी आपके लिए। और हाँ, तो अभी थोड़ी देर में मुझे अद्विक को लेने के लिए जाना है और उसके स्कूल में, और अब तक उसका मतलब स्कूल में उसके एडमिशन कराई थी मैंने 15 दिन पहले, मतलब 15 दिनों से उसकी स्कूल ओपन हुई है और 15 दिनों से वो जा रहा है स्कूल में। तो आपको तो मेरे बारे में अभी कुछ दिनों से पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिखाइए प्लीज़ दिखाइए। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर देते हैं। और हाँ, तो माही की भी एडमिशन मैंने दूसरे स्कूल ली है,
पहले दूसरे स्कूल में थी वो, और अभी थोड़ा सा इशू हो रहा था उस स्कूल का, मतलब बहुत दूर पड़ रहा था हमें, 10 या 11 किलोमीटर दूर पड़ रहा था हम मेरे घर से उसकी स्कूल। तो भी मैंने इतने सालों में एडजस्ट किया है, बट अभी थोड़ा सा हो रहा था कि एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अद्विक को भी स्कूल छोड़ना था मुझे और इसका भी देखना था, तो इसी वजह से मैंने उसकी स्कूल ही चेंज कर दी। अभी पास में ही है वो, भी स्कूल बहुत ही अच्छी है और स्टडी भी मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। मैं हैप्पी हूँ उसके दूसरे स्कूल की वजह से। और अद्विक को भी स्कूल में एडमिशन कराया ही है इस साल, मतलब प्ले ग्रुप में, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है अपने लिए। बस इतना ही है। और अद्विक का 2 घंटे के लिए ही जाता है, तो 2 घंटे के लिए मुझे रेस्ट मिल जाता है, मतलब रेस्ट खाली सा लगता है, बट मतलब 9 बजे वो जाता है घर से, तो 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे के लिए, तो 11:30 बजे तक आ जाता है। तो 11:30 बजे अभी मुझे उसको लेने जाना है, और आज अब तक उसका यूनिफॉर्म नहीं मिला था एक्चुअली, बट अभी उसका यूनिफॉर्म, मतलब आज उसका यूनिफॉर्म मिलने वाला है, स्कूल से ही मुझे परचेस करना है वो यूनिफॉर्म, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा और यूनिफॉर्म वगैरह परचेस करना पड़ेगा उसका। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ स्कूल में, चलते हैं उसके स्कूल, और यूनिफॉर्म वगैरह लेना पड़ेगा उसका आज, तो चलिए फिर चलते हैं। देखा कि कितने अच्छे अच्छे फूल आए हैं गुलाब के पौधे को, और पौधे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पौधे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। उसका जो मतलब अलग से पत्तियां आ रही है पौधों को, और कुछ पौधे जो है वो समर में जल गए थे मेरे, क्योंकि हम लोग बाहर रखते थे पौधे और डायरेक्ट धूप लगती है मेरे घर पे, तो इसकी वजह से पौधे बहुत ज्यादा जल गए थे, काफी पौधे जल गए हैं उसमें से, तो कुछ पौधे बाकी थे तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अभी, और काफी अच्छे अच्छे नई नई पत्तियां आ रहे हैं उनको। अद्विक क्यों चिल्ला रहा है पता नहीं। और हाँ, अद्विक का यूनिफॉर्म लाया है मैंने, और अरे यार इतना, मतलब इतने लोग लूट रहे हैं पता नहीं, इतना इतना, एक ही तो यूनिफॉर्म है और वो 3,700 का हुआ है। अब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना महंगा होगा यूनिफॉर्म, क्योंकि माही का भी यूनिफॉर्म, माही के यूनिफॉर्म हम लोगों ने दो लिए हैं, माही के तो दो दो लिए हैं, और ये एक ही यूनिफॉर्म लिया है और वो भी प्ले ग्रुप का, फिर भी 3,700 उनको पे करना पड़ा मुझे, तो इसकी वजह से मुझे इतना, मतलब मुझे लगा भी नहीं था इतना महंगा होगा उसका यूनिफॉर्म, और उसमें शू भी नहीं मिले हैं, शू भी अलग से मुझे खरीदने पड़ेंगे। अभी बाहर हम लोग जाने वाले थे, डीमार्ट जाने वाले थे, बट इनकी ड्यूटी आ गई थी बीच में ही, तो इसी वजह से ये उधर चले गए थे,
तो अभी डीमार्ट जाना तो होगा नहीं, और वहाँ डीमार्ट जाने वाले थे, और शू भी लेना था अद्विक का, तो शू भी लेना नहीं होगा आज, पता नहीं अभी इनको भेज दूंगी नहीं तो शू लाने के लिए, क्योंकि उसको कल स्कूल भेजना है तो यूनिफॉर्म पहना के भेजना है, तो शू तो चाहिए होगा, और शू भी नहीं दिए उन्होंने और सॉक्स भी नहीं दिए उसमें, तो बस सिर्फ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही मिला है, और उस यूनिफॉर्म को पहने हुए आप कल देख ही लोगे कि कैसा लगेगा, और बस इतना ही था। और हाँ, मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है, उन्होंने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या घर में, क्यों मैं ऐसे दिख रही हूँ, पता नहीं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि उनको लगा होगा शायद फैट लॉस होने की वजह से फेस फैट भी कम होता है, तो इसकी वजह से मुझे मेरा फेस अजीब सा लग रहा होगा उन्हें, और वो काफ़ी दिनों के बाद आप लोग देख रहे हो मुझे, इसी वजह से आपको थोड़ा अलग लग रही होंगी मैं, तो इसी वजह से, नहीं तो बाकी लोगों ने तो किसी ने बोला नहीं, जो काफ़ी दिनों के बाद देख रहा है उन लोगों को लग रहा है, क्योंकि जो काफ़ी दिनों के बाद देख रहा है उन लोगों ने मुझे बोला है, बट जो रेगुलर देख रहा है, जो डेली देख रहे हैं मुझे, तो उन लोगों ने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं अलग लग रही हूँ, बट उनका मुझे कमेंट आया और लास्ट वीडियो पे, और मुझे खुद ही हंसी आई कि उन्होंने बोला था कि घर पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या, तो नहीं डियर, घर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, मेरा फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस किया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा फेस अलग लग रहा होगा, फेस फैट भी कम हुआ है तो इसी वजह से, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ प्रॉब्लम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि घर वाले भी अंडरस्टैंडिंग है मेरे, और हस्बैंड भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता, बट और आपने केयर की इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूछा मुझसे काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आप ऐसे ही टच में रहना, और आप लोग मुझे मिस करते हो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग मुझे डीएम करते हो इंस्टा पे वगैरह, और हाँ इंस्टा की वजह से याद आया कि आपने अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आप अगर मुझसे बात भी करना चाहते हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पर भी इंस्टा पे फॉलो कर चुके हैं, तो वहाँ पर वो लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करना, तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है मेरे इंस्टा हैंडल की, तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, और तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, भगवान से प्रे करती हूँ कि आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और बस यही था आज का रूटीन, और काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही मतलब ब्लॉगिंग करती रहूँगी आपके लिए, बस पता नहीं अद्विक क्यों चिल्ला रहा है बाहर जोर जोर से, और उसके लिए अभी कुछ शू वगैरह लाना है तो जाना नहीं होगा मेरा, तो यही लेके आएंगे, आई होप आपको ये आज का छोटू मोटू सब व्लॉग अच्छा लगा हो, और तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और आगे भी आपके लिए व्लॉग मैं लेके आऊँगी, और आप भी मुझे सजेस्ट करते रहना कि मैं आपसे क्या शेयर करूँ आगे, तो चलिए फिर, मिस यू ऑल, बाय, लव यू, टेक केयर।